नमस्कार। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 39वीं स्थापना दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत है। मैं मानवता वाजपेयी आप सभी का भावपूर्ण स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अतिथिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आसीन अतिथियों का अभिनंदन पुष्प से करें। सर्वप्रथम हमारे आज की समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का स्वागत फूलों से करें। माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश सरकार श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को पुष्प भेंट करें। हमारे आज के समारोह के मुख्य वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एम के मित्रा जी का अभिनंदन फूलों से करें। बताना चाहूंगी प्रोफेसर मित्रा केजीएमयू लखनऊ के मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। हमारे अगले अतिथि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन श्री आलोक कुमार जी को पुष्प प्रदान करें। मंच पर आसीन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी को कृपया पुष्प भेंट करें। और अंत में संस्थान की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शुभा पड़के जी को पुष्प भेंट करने का कष्ट करें। अब मैं भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हुए समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वे माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही मंच पर आसीन अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि अब मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगी कि वे सर्वप्रथम मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। आप सभी तालियों से स्वागत करें। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रोफेसर धीमन जी से एक बार पुनः आग्रह करूंगी कि आज के समारोह के मुख्य वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एम के मित्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगी निदेशक महोदय से कि वे प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी को। रिस्पेक्टेड श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड विजिटर संजय गांधी पीजीआई, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, स्टेट मिनिस्टर फॉर मेडिकल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मेडिकल एंड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, प्रोफेसर एम के मित्रा, माई टीचर, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिसिन केजीएमयू, श्री अलोक कुमार जी, आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, प्रोफेसर शुभा फड़के, डीन एसजीपीजीआई, Dignitaries of the dais, my teachers, faculty members, nursing staff, other employees of the institute, residents, officers, and the staff of the institute, honorable guests, members from the press and the media, ladies and gentlemen.
You know, this institute's foundation was laid down by His Excellency Dr. Neelam Sanjeeva Reddy, then the President of India 39 years ago, and in the 35 years since throwing open its door for the patients and the students, the institute has made its presence felt in all spheres of the patient care, teaching, training, and the research, both at the national as well as the international levels. SGPGI is considered a premier national level medical institution, imparting postgraduate and postdoctoral education in medical, nursing, medical technology, hospital administration, and allied disciplines. SGPGI is also regarded among the best biomedical research center in the country in several key specialties and frontier areas. Government of India identified the School of Telemedicine as nodal center for the National Medical Colleges Network and the Department of the Medical Genetics as center of excellence for the rare genetic diseases. Coming to the patient care, in the current year, new outpatients registrations were more than 1.3 lakhs and a total outpatient consultation of more than 4.5 lakhs. And approximately 38,000 admissions were done on a total bed strength of 1,252. And approximately 55,000 patients received telephonic consultation via electronic OPD. And then approximately 11,000 major operations, surgical procedures were performed, including heart, robotic, minimally invasive, and the organ transplant surgeries. Highlight of the SGPGI contribution to the management of the third wave of the COVID-19 pandemic. Rajdhani COVID Hospital, the apex COVID care facility for the state, continued to function even during the third wave. However, seeing the minimal number of COVID patients, Apex Trauma Center, ATC, was recommissioned for the trauma care. Now, ATC also started free treatment for the first 24 hours of all the trauma patients admitted in the ATC. Since there are no new cases of the COVID, Rajdhani COVID Hospital 2 has also been decommissioned. However, SGPGI is running a post-COVID clinic to take care of post-COVID complications and the sequelae. Vaccination drive. The institute has played and continues to play a major part in the state vaccination drive, both for the healthcare workers and the people of the state. Till date, a total number of 2,19,982 beneficiaries were vaccinated. Financial grant for the non-COVID poor patients. The Ayushman Bharat Yojana has been implemented in this institute since January 2019. So far, more than 6,000 patients have benefited from it, with a 22 crore financial assistance provided. The Kamdhenu Ati Nirdhan Chikitsa Sahayata Society has also provided financial assistance of 1.3 crores to 979 patients in the year 2021 and 22. The recently launched scheme by our Honorable CM Sri Yogi Adityanath Ji, Deen Dayal Upadhyay Cashless Scheme, is also being started for the employees and their dependable and the pensioner of the UP government without any limit. Augmentation of the patient care facilities and amenities. The number one that I would like to tell you, emergency medicine and the renal transplant center. On 8th of January this year, our Honorable CM Shri Yogi Adityanath Ji inaugurated 558-bed capacity Emergency Medicine and Renal Transplant Center, EMRTC. Departments of the Emergency Medicine, Nephrology, and the Urology are the part of this center. Services being provided now include emergency services, dialysis, and the renal transplantations. The urology department at EMRTC has 117 general beds, 33 kidney transplant units, and 6 operation theaters.
The nephrology department has 97 general beds, 111 dialysis stations, and 11 ICU beds. It is expected that around 10 kidney transplantation would be done weekly very soon. Recently, interventional nephrology services for the first time in India have also been activated at EMRTC. It has the state-of-the-art DSA facility. Interventional nephrology course, first time in India, will take care of the vascular access related complications from all across the UP and neighboring states also. With implementation of the national dialysis programs at district level, vascular access complications have also increased, and this is the only center which will take care of such complications. The emergency medical services will also be doubled to 60 beds in a couple of weeks from now. EMRTC has a dedicated radiology wing, which shall soon have 3 Tesla MRI machine on a public-private basis and 128 slice CT scan facility. Dedicated blood transfusion unit and 24-hour lab have also become functional. Honorable CM Shri Yogi Adityanath ji also inaugurated on the same day, that is on the 8th January this year, advanced bronchoscopic laboratory in pulmonary medicine, which is functional, 100-room hostel for the research students, 80 type 3 accommodation for the nursing staff, 3 modular OTs for the robotic and the minimally invasive surgery, and 1 power station and a patient relative accommodation guest house also. 4 memorandum of understandings have also been signed between the SGPGI and IIM Lucknow, IIT Kanpur, Postgraduate Institute of the Child Health at Noida, and RML Institute of the Medical Sciences Lucknow for future collaborative teaching and the research work. I like to tell you that the robotic surgery program is doing exceptionally well in 5 surgical super specialties that include urology, surgical gastroenterology, surgical endocrinology, cardiovascular surgery, pediatric surgery, and hepatobiliary surgery. Robotic assisted kidney transplantation and transoral robotic thyroid surgery have also been recently done, which is a very rare surgery and that has been accomplished over here. Governing body of the institute also approved the creation of the 3 new departments at the institute and include head and neck surgery, pediatric endocrinology, and infectious diseases. A detailed project report is being submitted to the government very soon. Cadre restructuring of the non-teaching staff has been done after a gap of the 20 years. And I am pleased to inform you that I just received an information that it has been passed from the government of the UP. Recruitment of the non-teaching staff has been done after a long time and include nursing officers, lab and radiology technicians, nursing tutors, medical social workers, and the stenographers. And we are in pipeline to recruit many more cadres also in subsequent months, February and March. Recognition to the institute and its faculty. SGPGI is ranked 7th in the country in the NRF ranking. The institute is also preparing for the NAC accreditation. Research grants of over 13 crore have been awarded to the researchers of the institute in the last year, especially the DBT grant for the osteoporosis and metabolic bone diseases from Department of the Endocrinology, and for mission program on pediatric rare genetic disorder by the Department of the Medical Genetics. Furthermore, many faculty members and the residents have been awarded various prizes and honors by numerous professional and scientific bodies and association. It is not possible to enumerate all of them, but I'll name the few. As you all know, and last time in the convocation, I also enumerated the name of the 30 doctors from the institute who have listed in the world's top 2% scientists prepared by the Stanford University. I will repeat the names again. Professor U.C. Ghoshal, Professor Rakesh Agarwal, Professor U.K. Mishra,
प्रोफेसर जयंती कलिता, प्रोफेसर रामा देवी मित्तल, प्रोफेसर नारायण प्रसाद, प्रोफेसर वी के कपूर, प्रोफेसर उज्जल पोदार, प्रोफेसर मोहन गुर्जर, प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर दुर्गा प्रसन्ना मिश्रा एंड रोहित सिन्हा एंड ऑल्सो माई सेल्फ. प्रोफेसर संजय बिहारी गॉट सेलेक्टेड एंड टुक द चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ द प्रेस्टिजियस श्री शिस्त्रा इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज थिरुवनंतपुरम इन 1922. प्रोफेसर देवेंद्र गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया वॉज ग्रांटेड the provisional patent of the dual source respiratory system which he had developed in collaboration of the IIT Kanpur. Professor Narayan Prasad has got an innovation patent on a method to determine the steroid resistant phenotype in childhood idiopathic nephrotic syndrome by utilizing a pharmacogenomic biomarkers, and the patent was received by Commonwealth of the Australian government. Several new activities have been started in this institute since I joined over here 2020, and I will enumerate in brief. The one is the third research day was observed yesterday on 13 December 2022 to encourage the research activities among faculty and the residents. It was marked by the lectures by the stalwarts in the biomedical research and the presentation of the research work by the SGBGI faculty members and the residents. Professor Sonia Nityanand, Director, RML Institute of Medical Sciences, Lucknow. Dr. S.C. Parija, Vice-Chancellor of Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry. And Dr. Rajan Singh, ex-PhD from the SGPGI, now working in the University of the Nevada, Reno School of the Medicine, USA, delivered the keynote addresses. The best performing faculty members and the residents were selected for the awards in their respective category and will be awarded today. For the past three consecutive years, we have been making every effort to connect with our alumni, India or abroad. We celebrated the third alumni day yesterday on the eve of the foundation day. This get together of the alumni happened even during the COVID times in the past 2 years, and it was nostalgic to say the very least. Today, SGPGI Alumni Association is a registered society, and we hope that in times to come, it will gain further momentum in binding people together. Another activity that we have started from this year only, that is the pin-up ceremony, just to mark the first academic day. A new tradition was started from this year, wherein all new MD, DM, MCS, PhD, PDCC, MSc, and BSc students were formally introduced into their course on the first day of the academic session, and this year it was the 18th July 2022. The objective was to encourage them to put in their best during these valuable learning years. And the Professor Balram Bhargav, Director General ICMR, delivered an inaugural address. Institution of the gold medal and the oration in the radio diagnosis department. Institute has started one gold medal in the name of Padma Shri Dr. Sabia Sachi Sarkar annually to the topper student of the MD radio diagnosis, and Padma Shri Dr. Sabia Sachi Sarkar oration, which will be delivered annually by an eminent person in the field of the radio diagnosis on the occasion of the foundation day of the department. We have also started several new courses from this year. And just to enumerate, PDCC in hepatic pathology, pediatric critical care medicine, advanced technique in radio oncology, palliative oncology, sleep medicine, pediatric oncosurgery, pediatric minimal access surgery in various departments. Institute will also start DM courses in organ transplant anesthesia and critical care, and in pain medicine in the department of the anesthesia. Institute has also started 2 year MSc nursing program with 20 seats, and the MSc in the radio pharmacy and the molecular imaging in the College of Medical Technology. Coming to the last part, that is the vision, our vision for this institute. Children and adolescents between the age from the newborn to the 18 years constitute around 40% of the population of Uttar Pradesh. They need the best medical care for their growth and the development.
A 573 bed advanced pediatric center comprising of the 22 departments and the two units with medical and the surgical pediatric super specialties is coming up at the Sanjay Gandhi PGI very soon. An advanced diabetic center is coming up for the management of the all diabetes patients and the related complications only under one roof. Any complication will be dealt in this center only. The center will be ready by the September next year. Tele ICU services model based on SGPGI as a hub and the 6 old state medical colleges of the UP as a spoke is being started and it will be completed by the July next year. Later on, this project may be expanded to 75 districts and upcoming medical colleges. And this is one of this kind of the project all over India. SGPGI being a tertiary care health center can help improve health and medical education in the state by mentoring other medical colleges of the state. That is the capacity building of the medical, that is faculty and the residents and paramedical staff, including nurses, technicians and the pharmacists. It can also help establishing integrated emergencies and the ICU care at medical colleges and at the district hospital level. And by doing the MOCs, memorandum of understandings between SGPGI and the medical college related to the patient care, teaching and promoting research and establishing telehealth facilities based on the hub and the spoke model. And also providing help for establishing a hospital information system for digitizing the healthcare and setting up the hospital revolving fund, which are unique to this institute. Once again, my heartfelt thanks to the unflinching support of the government. And I am sure Honorable Governor Srimati Anandiben Patel ji, our Honorable CM Shri Yogi Adityanath ji, Deputy CM Shri Brijesh Pathak ji, State Minister Shri Mayankeshwar Saran Singh ji, Chief Secretary and Principal Secretary will continue to give their support so that we can serve the people of the state of the Uttar Pradesh towards better health and the medical education. I would like to wind up by reiterating that we remain committed to provide quality health care, generate trained manpower, and carry out relevant research in health sector. I thank you all for gracing this occasion. नमस्कार जय हिंद धन्यवाद सर हमारे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर एम के मित्रा जी मेरा आग्रह है संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शुभा फड़के जी से कि आप प्रोफेसर एम के मित्रा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए आपके गौरवशाली व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराएं थैंक यू मानता जी नमस्कार सुस्वागतम रिस्पेक्टेड श्रीमती आनंदीबेन पटेल ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश and the visitor of SGPGIMS, Professor N.K. Mitra, former head of the Department of Medicine, KGMU, Lucknow, Shri Mayankeshwar Singh, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Shri Alok Kumarji, IAS, Principal Secretary, Medical Education Department, Government of Uttar Pradesh, and Professor Dhiman, director of our institute, and friends. Today we have Professor Mitra here to deliver the Foundation Day oration. With more than 50 years of experience of teaching medicine, Professor Mitra is the most appropriate person for the oration of this prestigious teaching institute of SGPGIMS. Teacher of teachers, Professor Mitra had been teacher of many teachers in SGPGI, including Professor Dhiman. Currently, Professor Mitra is the postgraduate teacher of medicine at Vivekananda Polyclinic Institute of Medical Sciences. He was head of the Department of Medicine in KGMU, Lucknow, and taught for more than 38 years. He headed the Department of Medicine with more than 300 beds, 50 residents and 15 faculty. He had taken interest in nephrology.
He started nephrology department, a unit in the Department of Medical and Genetics, medicine, along with the dialysis facilities. At the time when nephrology as a super specialty was not existent, it was only because of that a number of his residents chose nephrology as their DM specialty, and most of these students are faculty members, heads of various nephrology units all over India, and also International Nephrology Association he's associated with. Being an excellent teacher, Professor Mitra was famous amongst his students because of excellent skills of making a very difficult subject of nephrology very simple to understand. In addition to nephrology, his contributions to epidemiology needs special mention. He was founder director of clinical epidemiological unit at KG Medical College in Lucknow, and the functions of this center was to conduct training programs in research methodologies for young faculty and PG students. He was also past president and chair of ethical committee of Indian Network of Clinical Epidemiology. He is currently chair ethics committee of Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences. He was awarded fellowships by Indian Society of Nephrology, Indian College of Physicians, and Indian Academy of Medical Sciences. He had received many awards. Special to mention include Lifetime Achievement Awards by Indian Society of Nephrology, Bharati Jyoti Award as a Best Physician of Lucknow, and he was honored by KGMU by Lifetime Achievement Award for Eminent Faculty Members of Medicine in KGMU. As told by his students, Professor Mitra is an extremely soft-spoken and very efficient administrator. He has delivered many prestigious orations like MP Mehrotra Oration of Association of Physicians of India. He is an excellent orator and we are eager to listen to him. Professor Mitra, please. Namaskar. Respected Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh and Visitor SGPGI Lucknow. Respected Sri Mankeshwar Saran Singh ji, Honorable Minister for State, for Parliamentary Affairs, Medical Education, Medical and Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Government of UP. Respected Sri Alok Kumar ji, Principal Secretary, Medical Education, Government of India. My dear Professor Dhiman, Ms. Dean, Professor Shubha Pathak, Phatke, Dean SGPGI MS Lucknow. First of all, I thank Professor Dhiman for the kind gesture of having invited me on the 39th Foundation Day of this great institute. I am delighted, humbled, privileged, and honored. Thank you very much, Professor Dhiman. At the outset, I extend my warm greetings to the distinguished faculty of SGPGI Lucknow on this auspicious occasion of the 39th Foundation Day. And I also extend my greetings to the students, to the nursing staff, to the nursing students, to the paramedical staff of this great institute. I would today share with you some of my thoughts about research, patient care, teaching, training in a super specialty tertiary care medical institute of the country. First of all, the role of the director is very important. The director is the leader of the whole team, and he is responsible for maintaining a conducive, cordial atmosphere to conduct research of high quality. At the same time, monitor the facilities given for patient care in the institute and being delivered in a dignified manner to the patient. Because I believe that patient has to be treated with great dignity, with great sympathy, and that is the soul of a medical person. The
role of the director, he has to change several hats. Not only that, he has to do this, but he has to manage and look, listen to the stakeholders who are sitting outside. So he has to continuously do what we call as a SWOT analysis to uplift the teaching and training and research in our institute. So that is one. Secondly, the director has to be conscious about what the credentials committee think about. What is the national, international grading committees think about us? What deficiency do they think about us, and how we can further improve so that we can get more and more accreditations, whether it is NAC accreditation, international accreditation, national accreditation. Professor Dhawan has already mentioned the accreditation that we have already instituted. So that is one. Secondly, the other stakeholder is the patient and the media. Media also is a very important stakeholder. We have to keep a pulse on the media as to what do they think. And we have to do corrective attitude and accordingly try to relate with them as far as the functioning of the institute is concerned. But the most important is the government, who are our the important stakeholder who gives us the fund, and we have to respect their guidelines, their advice to improve the functioning of the institute. And in this context, I congratulate Professor Dhiman, because during his tenure for the last 3 years, being a member of the governing body, I have witnessed that during this period, so many important departments have come up in the institute. So he has also delivered in his address just now that many facilities have been created, many beds have been created, many buildings have been sanctioned, many posts have been sanctioned. This is what the role of a leader is, that you have to go along, they pull up the institute and push up the ranking of the institute. That is what is required from the director. And as far as the research part is concerned, which is the most important part, I think ever since he has taken over, he has started having the research day, which is done just about it. Yesterday we had the research day. I was fortunate to be a member of the judging committee of the research. The faculty has produced brilliant research that we witnessed yesterday in the poster presentation. I congratulate all members of the distinguished faculty on this occasion. It is true that we have been asked to say grade number one, grade number two, grade number three. But my dear faculty, let me tell you, you are all winners. Everybody is a winner. It was a tremendous taste of academic research that I witnessed as a judge with my fellow colleagues, the level of research. Now, coming to the research part, and secondly, about the functioning of the director also, I was amazed that during the peak of the corona endemic, he was visiting Rajdhani Hospital. He was talking to the patients. भाई कैसी तबीयत है आपकी, किस तरह का बर्ताव आपसे किया जाता है. I heard a press interview where he was asking the patients who were admitted in the Rajdhani Hospital, आप बताइए हमें अपने इनपुट दीजिए, आप हमें उपदेश दीजिए, हमें बताइए हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. That is it. That is the way you should do. That is the way we can pull up the institute, and that is what is required. The next I'll come to the research part. The research part of the institute, you are all winners. We have witnessed it yesterday. But my feeling is that whenever you do a research, you have to address the regional and national health priorities. Also, in your research, would be the highest standard of research would be if it results into a policy change in the result. इसका मतलब ये नहीं है कि everybody if is doing research and it's not the policy change resulting, but it's a good research you are doing. I'm saying that. You are all winners. But then the acid test of a research is if it results into a policy change. And I'll give you some examples from in India. I could, because of the paucity of time, I cannot pull out the facts and figures. I could talk and wanted to say all that, but because of the paucity of time, I will not say that. But in India, in All India Institute of Medical Sciences, Dr. Ramalinga Swami was the director. He identified that there was a iodine deficiency throughout India. His
His student, Pandav, Chandrakant Pandav from the All India Institute of Medical Sciences, Community Department, he said, ये कैसे किया जाए भाई पूरा iodine deficiency को पूरे country में, and look at the ingenuity. उसने कहा कि नॉर्मल सॉल्ट तो सब लोग खाते हैं, अमीर खाता है, गरीब खाता है, दूरदर्शी गांव में भी खाते हैं, शहरों में भी खाते हैं, सॉल्ट में आयोडीन मिला दो. तो दैट इज हैज रिजल्ट इन टू द पॉलिसी चेंज. आप जो नमक खाते हो आयोडाइज सॉल्ट है. इट हैज बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिसी चेंज एंड देयर हैज बीन अ पॉलिसी चेंज एंड द गॉइटर इंसिडेंस हैज कंसिडरेबली डिक्रीज्ड इन अवर कंट्री. The same has been approved by WHO. The same iodization of the salt has been done in all countries in the world where there has been iodine deficiency. Dusra dekhiye, BHU mein Dr. Shyam Sundar was working on kaladar. Kaladar ek aisi bimari hai jisme bukhar chalta hai lamba aur sharir mein kale dhabbe pad jate hain, stilli bad jati hai, anemia hone lagta hai, ghatak ho sakta hai. Amphotericin B was the treatment. बड़ा कॉस्टली, बहुत टॉक्सिक, इंट्रावेनस दिया जाता है. एक इंजेक्शन के बाद पेशेंट, और दो तीन इंजेक्शन के बाद पेशेंट तो छोड़ देता है बिकॉज द टॉक्सिसिटी एंड द कॉस्ट. उन्होंने पहले 3 दिन में देखा, उसके बाद उन्होंने वाटर सॉल्युबल एम्फोटेरिसिन बी को चेंज करके लिपिड सॉल्युबल एम्फोटेरिसिन बी लिया. सिर्फ 1 दिन लगाया और 1 दिन के लिपिड सॉल्युबल एम्फोटेरिसिन बी में 90% प्लस रिजल्ट इन्होंने दिया. और इनके शोध कार्य से द चेंज हैज टेकन प्लेस इन द पॉलिसी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कालाधार. कालाधार इज रैम्पेंट इन यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड एंड बंगाल. इट हैज बीन वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंज एंड अ ग्रेट ट्रीटमेंट पॉलिसी चेंज विच हैज रिजल्ट. WHO हैज रिकॉग्नाइज्ड इट. जितना सब सहारन डेजर्ट में WHO ने इसको अडॉप्ट किया. So this is relating to policy change. This is what is research. हमारे अपने संजय गांधी में डॉक्टर धीमन ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में जो सुझाव दिए गवर्नमेंट को, इट हैज बीन टेकन अप बाय द नेशनल गवर्नमेंट इन द टास्क फोर्स एंड ही हैज बीन मेड द चेयर. एंड उस ये जो इन्होंने सुझाव दिया, इन्होंने जो गाइडलाइंस दिए, दिस हैज बीन एक्सेप्टेड विद द नेशनल गवर्नमेंट. It has been implemented, and he is made the chair of the National Hepatitis B Control Program Technology Group. And changes have taken place that result into policy change. Dr. Ujay Bhushan yahan baithe hain, chair of the ethical committee, research committee. Inka mortality work of the GIT is recognized by the international societies. He is chair and member of the international committee. Societies in the Rome is known as that group is known as Rome, and his work on the disorders of the small gut motility bacteria ko recognize karne ke liye inhone je investigative tool banaya, it has been patented in several countries. That's a policy change. His work on abdominal tuberculosis, जो पहले 9 महीने से 12 महीने तक दिया जाता था, इन्होंने अपने शोध कार्य में दिखाया, he established in research कि आप सिर्फ 6 महीने का ट्रीटमेंट दे दीजिए and you will be all right. So these are all resultant to policy change. Similarly, Professor Jayant Kalisa, neurology department के, इन्होंने Japanese bee encephalitis, tubercular meningitis, strep typhus, इन सब में काम किया. And this is a regional and national health problem. Japanese bee encephalitis mein kis tarah se Gorakhpur mein aur baki country mein patients ki, bachchon ki jaan jati hai. So she has done pioneering work for that. Congratulations to her. Dr. Narayan Prasad yahan baithe hain, nephrology ke head hain. Unhone jaise Dr. Dhiman ne bataya tha, steroid resistant nephrotic syndrome. Ye steroid resistant nephrotic syndrome hai, bacche बिल्कुल सूज जाते हैं बिकॉज ऑफ मैसिव प्रोटीन्यूरिया. हम लोग स्टेरॉइड देते हैं मगर 30-35% केसेस में स्टेरॉइड काम ही नहीं करता है. इन्होंने अपने शोध कार्य में दिखाया और उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग टूल बनाई वो पेटेंसी उसकी हो गई ऑस्ट्रेलिया में. इट हैज रिजल्टेड इनटू पॉलिसी चेंज एज फार एज दीड आइडेंटिफाइंग दोज किड्स जिसमें स्टेरॉइड रेजिस्टेंस होगा. कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर नारायण. इस तरह से
हमारे यहाँ के पूरे अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स प्रोफेसर यू के मिश्रा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, इन्होंने यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करी है और न्यूरो क्रिटिकल सेंटर स्टैब्लिश किया है, टीबीएम में, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में, एनकेफलाइटिस में बहुत काम। आई एम सॉरी आई एम नॉट बी एबल टू मेंशन एवरीबॉडी, देयर आर सो मेनी लॉरेल्स हियर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने 12 13 14 15 लोगों के नाम लिए, प्रोफेसर धीमन ने कहा उनके, उन्होंने अपने शोध कार्य में, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनेशनल लेवल, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। सॉरी, दैट वॉज माई ब्रीफ अबाउट द रिसर्च। मगर इस दशक का सबसे बड़ा रिसर्च जानते हैं क्या है? ये जो कोविड हुआ, इस कोविड में जो हमारे वैक्सीन साइंटिस्ट ने 6 से 9 महीने के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाया और उसको भारत सरकार ने प्रत्येक स्टेट सरकार ने, और जिस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन से 2 साल के अंदर 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई और आज हम लोग चैन से बैठे हैं, दिस आई मस्ट से इज ए साइंस, मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप। इससे बड़ा अद्भुत कोई रिसर्च मैंने इस दशक में नहीं देखा है, अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा है। दिस हैज टू बी सेलिब्रेटेड एंड द वर्ल्ड स्टूड अप एंड स्टार्टेड लुकिंग अस अप, लुकिंग एट इंडिया एज टू व्हाट इंडिया हैज डन। दिस इज समथिंग एंड ट्रेमेंडस एफर्ट फ्रॉम आवर वैक्सीन साइंटिस्ट। Pardon me. Next, let me come to patient care. Patient care में मेरी feeling ये है, my suggestion to my young students and my young faculty is please treat them with great sympathy, with dignity, with kindness. That is what you, आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आपने उस मरीज को जो कि विलेज से इलिटरेट आया है उसके साथ आपने अच्छा बर्ताव किया और आप उनके रिश्तेदारों से प्यार से बात करी, उनको प्रोत्साहित किया, तो उससे जो आनंद आपको मिलेगा, जो दिल से आपको आशीर्वाद देगा, उस फोर्स की बराबरी कोई नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं, ये मैंने महसूस किया है और इससे बड़ा उपलब्धि किसी मेडिकल पर्सन के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा और मैं हटके बताऊं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लिटिल कोर्स एंड आई विल शेयर विद यू। ये मैं अपने यंग फैकल्टी और यंग स्टूडेंट्स के सामने रखूंगा, आप सोचना, देखना, अगर आपको ठीक लगे तो करना। देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स इन द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, your best wishes from your friends and from best wishes from the patients, but those best wishes, those blessings have to come from the innermost core of their heart, tabhi wo force dega, but to achieve that, to acquire that, you have to conduct yourself with great grace, with great dignity, with great transparency and with great honesty, tabhi aapko milega wo। मगर उसमें जो निकल के आएगा ब्लेसिंग, पेरेंट्स की, एल्डर्स की और पेशेंट्स की दुआ जो निकल के आएगी उसमें, माय फ्रेंड, देयर इज अ लॉट ऑफ फोर्स। आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंड आई एम शेयरिंग विद यू। अब आपके ऊपर है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। नाउ लेट मी कम टू टीचिंग। इनोवेट करिए, अपनी टीचिंग को इनोवेट करिए। यू आर ऑल ग्रेट टीचर्स, यू नो हाउ टू इनोवेट टीचिंग। मुझे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं शायद प्रोफेसर था या सीनियर रीडर था, मुझे कहा गया कि कोमा पे लेक्चर लीजिए। ठीक है भाई, कोमा पे लेक्चर पढ़ के तो 1 घंटे में लेक्चर ले ही सकते हैं, मगर मुझे मजा नहीं आया। कुछ हैंडल किया जाए, कुछ इस तरह से किया जाए कि स्टूडेंट्स के, पोस्ट ग्रेजुएट के सलकाई या गहराई में धंस जाए। सलकाई गहराई ब्रेन में सलकाई गहराई होते हैं, तो दैट इज वॉट आई थिंक, दैट इज वॉट द टीचर हैज टू डू। He has to convey the message in a manner so that वो उसके सलकाई गहराई में धंस जाए, भूले ही ना।
तो साहब मैं ढूंढता रहा हैंडल, तो मुझे पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस समझ में आया धीमन, कि पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस पकड़ाया है। देखिए हमारे ऑर्गन के फंक्शनिंग में ईंधन की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। हार्ट एक सेकंड भी नहीं रुकता, किडनी कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट गार्जियन कभी नहीं रुकता, लिवर नहीं रुकता, ब्रेन नहीं रुकता, तो उसको फ्यूल चाहिए ना। द फ्यूल इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और वो ब्लड के थ्रू जाता है। तो मैंने कहा ये ब्लड को पकड़ो। द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द ब्रेन एट अ सर्टेन प्रेशर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन मिलियो ऑफ ऑक्सीजन, एट अ सर्टेन मिलियो ऑफ ग्लूकोज। तो आप देखिए, अब ब्रेन में आपने कस के एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कर दिया, और वो जाके 230/120 ब्लड प्रेशर पे आपने ब्लड पंप कर दिया, ब्रेन में क्या होगा? धमनी फटेगी, सेरेब्रल हेमरेज होगा, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होगी, कोमा हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर एकदम शॉक में, क्लिनिकल स्टेज में शॉक में आ गए, हाइपोटेंशन हुआ, कोमा हो गया। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाइपर पायरेक्सिया किया, हीट स्ट्रोक में कोमा हो गया। आप फ्रीज कर दीजिए, हाइपोथर्मिया कीजिए, कोमा हो गया। आप शुगर बढ़ा दीजिए, हाइपर ऑस्मोलर कोमा हो गया। आपने शुगर घटा दीजिए, हाइपोग्लाइसिमिक कोमा हो गया। आप अमोनिया बढ़ा दीजिए, कोमा हो गया। आप CO2 बढ़ा दीजिए, कोमा हो गया। आप ऑक्सीजन कम कर दीजिए, कोमा बढ़ गई हो गया। आप ऑक्सीजन की लेवल हाइपरबेरिक करिए, कोमा हो जाएगा। तो यू हैव टू प्ले विद द पैथोफिजियोलॉजी, राइट। अब उसमें आपने ये जब इतना हो गया, तब आप उसमें बैक्टीरिया मिला दीजिए, कोमा हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वायरस मिला दीजिए, वायरल एन्केफेलाइटिस हो गई, कोमा हो गया। अभी ये सब चीजें करते करते जब खत्म हो जाए, तो फिर हिप्नोसेडेटिव्स मिला दीजिए, बारबिट्यूरेट, स्लीपिंग पिल्स, ओवरडोज, कोमा करके आते हैं, कोमा हो गया। और बाद में दिस इज अ वेरी कंप्रेस्ड, आई एक्सपेंडेड ऑन दैट लेक्चर फॉर अबाउट एन आवर सो 40 मिनट्स। और उसके बाद कुछ ना समझ में आए तो डंडा मार दीजिए, ट्रॉमा हो गया, कोमा हो गया। दैट इज हाउ यू हैव टू इनोवेट your teaching. You see, you have to innovate your teaching. That is what Dr. Parija also mentioned. That is what a teacher is. You are all very distinguished learned teachers. Magar aap pathophysiology ko handle karo aur apne difficult subject ko pathological basis pe ye karo, to I think it would be important. Mere paas thoda sa aur samay hai. Thoda sa samay aur. Ab main aata hoon, teaching bhi ho gayi. Ab उसके बाद मैं आता हूँ, आप इतने सीनियर टीचर डिस्टिंग्विश बैठे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। भाई मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो मरीज कहता है प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में, मुझे इतने दिन से खांसी, इतने दिन से बलगम, इतने दिन से सांस, इतने दिन से ये हो रहा है, अरे भाई सिर्फ ये 4 प्रेजेंटिंग 5 प्रेजेंटिंग सिम्टम्स को लॉजिकली एनालाइज कर लो, इसमें करीब 12-15 मिनट दो, लॉजिकली एनालाइज कर दो, हिस्ट्री थोड़ी सी और देख लो, 70% ऑफ द डायग्नोसिस कैन बी मेड। आई टेल यू, आई स्टिल डू दिस व्हेन आई टीच माई स्टूडेंट्स, सिर्फ प्रेजेंटिंग सिम्टम्स पढ़िए, मैंने कहा रुक जाओ, इसको एनालाइज करके बताओ कि व्हाट आर द क्लिनिकल पॉसिबिलिटीज, हिस्ट्री और देखो, आई मे टेल यू 70% ऑफ द डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय हिस्ट्री एंड जस्ट लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंटिंग सिम्टम, और 10% 15% बाय एग्जामिनेशन, और सिर्फ 10-15% बाय द हाई टेक इन्वेस्टिगेशंस। आई टेल यू दिस एंड आई विल गिव यू अ क्विक एग्जांपल। मैं MD कर चुका था, चीफ रेजिडेंट था, अपने प्रोफेसर का पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिक अरेंज कर रहा था। क्लिनिक खत्म होने चली, एक सर्जरी का रेजिडेंट खड़ा था बाहर, उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले साहब मैं अपने एल्डर ब्रदर को दिखाना चाहता हूँ, उसको आज सुबह थोड़ा स्लर्ड स्पीच हुई, थोड़ा सा वीकनेस आर्म में हुई, ऑब्वियसली TIA, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक इसको हम लोग कहते हैं, थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली हुआ, तो अब काफी ठीक है, मैं सर कल के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लाना चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे ब्रदर की एज क्या है? उन्होंने कहा सर 30 इयर्स। बोले अभी लाओ। बोले सर मगर वो ठीक है पहले से। बोले इसलिए तो कह रहा हूँ अभी लाओ। तो चला गया वो। जब वो चला गया तो हम लोगों ने सब घेरा, पोस्ट ग्रेजुएट्स ने, अंडर ग्रेजुएट्स ने, कि साहब आपने क्यों कहा? बोले 30 साल की उम्र में
इसको एक एम्बोलिक टीआईए हुआ है, कहीं से एम्बुलेंस गया, उसने खलबली मचाई और खिसक गया, तो उतनी देर में उसने थोड़ा सा स्लर्ड स्पीच की और की। इसका मतलब इसका जो वैस्कुलर ट्री है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं, दे हैव बिकम प्रीमैच्योरली एथेरोस्क्लेरोटिक। इसका मतलब देयर मस्ट बी डायबिटीज एट द बैकग्राउंड, और चूंकि वो एम्बुलेंस गया है तो ही मस्ट बी हैविंग ए साइलेंट हार्ट अटैक, जो डायबिटीज को होता है। तो इसको तीन बीमारियां हैं, इसको डायबिटीज है, इसको मे बी ही माइट बी हैविंग ए साइलेंट हार्ट अटैक, एंड ही माइट बी हैविंग एम्बोलिक स्ट्रोक। कैन यू बीट इट? ऑल द थ्री आर प्रोन टू बी राइट। दिस इज क्लिनिकल मेडिसिन। यू हैव टू सिंग दैट सॉन्ग टू योर स्टूडेंट्स। इनोवेट करो यार, तो जो आपका आर्ट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन को मरने मत दो। इतना हाईटेक मेडिसिन हो गया, सीटी कराओ, एमआरआई कराओ, अरे यार मरीज की बात तो सुनो। इन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है वो इन ए सिल्वर प्लेटर वो कह रहा है कि सर आई एम दिस, प्लीज रिकॉग्नाइज मी। वो प्रेजेंटिंग सिम्टम हिस्ट्री में दे रहा है आपको, सिल्वर तस्करी में परोस रहा है आपके पास। तो डोंट लेट आर्ट ऑफ क्लिनिकल दी होल थिंग गोस। एंड लास्टली, आई नो पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट द वॉच एंड आई आल्सो परहैप्स एक्सटेंडिंग माय दिस थिंग, मगर लास्ट थिंग, सेल्फ ऑडिट। देयर इज द इरोजन ऑफ फेथ इन मेडिकल प्रैक्टिस माय फ्रेंड्स। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने को तो बदलो, अपने अंदर तो झांको। और इसमें मैं एक कोटेशन जो हमारे मेडिकल में हैरिसन के प्रीफेस में लिखा है वो आपके सामने कह दूंगा, एंड देन आई स्टॉप टॉकिंग। इट सेज देयर इज ग्रो नो बेटर, देयर इज नो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑब्लिगेशन एंड नो ग्रेटर ऑब्लिगेशन अपॉर्चुनिटी दैट कैन फॉल टू द लॉट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग than to become a clinician. In caring for his patient, he requires technical skill, scientific knowledge, and human understanding. He who uses these with courage, wisdom, and humility does an unending service to his fellow men, and in doing so, builds an edifice of character within himself. The clinician should not be satisfied anything more or anything less. Now, these are very strong words. रोंगटे खड़े हो जाते हैं। This is the modern Hippocratic oath. ये सिर्फ यही कहता है कि dignity से बात करो मरीज से, और ये समझ लो कि there is no greater opportunity, responsibility and obligation that can fall to the lot of a human being than to become a clinician. In caring for his patient, he requires technical skill, scientific knowledge and human understanding. He who uses this with courage, wisdom and humility does an unending service to his fellow men, and in doing so, builds an edifice of character within himself. The clinician should ask for his destiny no more and should be content with no less. These are very strong words, my dear friends. This is self-audit. You have to continue to look into yourself and see that whether you are doing the right thing or not. क्या आप वही बर्ताव कर रहे हैं अपने मरीज से जो आप खुद expect करते जब आप बीमार होते? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हो। एंड लास्टली, आई नाउ फिनिश बाय सेइंग, आई ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोगों के सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए। आप खूब रिसर्च करो, फलो फूलो। ऑन योर ब्रॉड शोल्डर्स लाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग दिस इंस्टीट्यूट to the level where she deserves to be and where she ought to be. And that is number one in the country and one of the best in the world. Ye aapka responsibility, you can do it. So I would request all of you, and let me say, mujhe ek biblical phrase aa gaya, let the Lord hold you in the hollow of his palm, let the wind always blow behind you, let God be always with you. Let God always guide every step that you take in your life, every path in the step of your life. Thank you very much. Namaskar. अपने विचारोत्तेजक एवं ज्ञानवर्धक
अभिभाषण के लिए प्रोफेसर मित्रा का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया से कि वे प्रोफेसर एम के मित्रा जी को अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी से कि वे हमारे समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया, आदरणीय श्री मयंकेश्वर सरन सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रोफेसर एम के मित्रा जो जिनका ओरेशन अभी हमने बहुत पावरफुल ओरेशन सुना, डॉक्टर फटके, डॉक्टर धीमन निदेशक संस्थान, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स और मेडिकल पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ सभी को इंस्टीट्यूट की 39वीं फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं। इस इंस्टीट्यूट ने 39 वर्षों के सफर में एक ऐसा मुकाम स्थापित किया है जो न केवल इस देश के इस प्रदेश के लिए बल्कि इस देश के लिए एक अग्रणी इंस्टीट्यूट्स की श्रेणी में हम लोग शामिल हुए। और जैसा कि हमें NIRF में NAC में जो रैंकिंग मिलती है उसके हिसाब से भी और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग में वी आर ऑलवेज इन द टॉप 5 टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि आई हैव अ ड्रीम, सिमिलरली एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन आई हैव अ ड्रीम। और जैसा कि डॉक्टर मित्रा ने कहा कि हमारी सामाजिक सरोकार क्या है, एम्स बिकेम एम्स बिकॉज ऑफ द आयोडीन इशू, कि आयोडीन की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। अभी उत्तर प्रदेश की जो जनता की सामाजिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एनीमिया, 50% महिलाएं हमारी एनीमिया से पीड़ित हैं, अभी हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं, या जो समाधान है वो उस गति से हमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है जिसमें हम नहीं कर पा रहे। कुपोषण, जो हमारे बच्चे हैं, छोटी बेबीज जो पैदा होते हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी में वैसे तो हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट किया है लेकिन अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, इस संस्थान से हम क्या रिसर्च कर सकते हैं जो उन सामाजिक सरोकारों को सॉल्व करता है, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालता है। हम बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें उसके एकोलेट्स भी आपको मिल रहे, परंतु क्या हम सामाजिक समस्या जो मास स्केल पे लोगों को परेशान करती है क्या हम उन पे कुछ कर रहे हैं, और उन पे अगर हम कर रहे हैं तो उसमें से कौन सी शोध ऐसी निकलेगी जो कि SGPGI का नाम एम्स की बराबरी पे या उससे बेहतर कर सकती, उस पे हम लोग कुछ ध्यान दे रहे हैं क्या। दूसरी जो मेरी ड्रीम है कि हम बहुत फोकस करते हैं अपने सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन्स पे, जो DM हम निकालते हैं, जो MCH हम निकालते हैं, परंतु हमारी एक हेल्थ सिस्टम को अच्छा बनाने में केवल सुपर स्पेशलिटी और डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे नर्सिंग और पैरामेडिक प्रोफेशन है क्या हम उस पर ध्यान देते हैं, क्या हम उनको बराबरी का या उस लेवल का दर्जा देते हैं जो हमें देना चाहिए, क्या हम उस क्वालिटी के नर्सेस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उस संख्या में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आप देखिए 1600 बेड के हॉस्पिटल में करीब 150 के करीब सुपर स्पेशलिस्ट निकलते होंगे साल में, 100 से ज्यादा निकलते हैं, और कितने नर्सेज हम निकाल रहे हैं साल में, 68। वर्ल्ड ओवर माना कि यह है कि एक डॉक्टर पे 3 नर्स चाहिए और 3 पैरामेडिक चाहिए, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी सामाजिक सरोकार, और देखिए साहब आप उत्तर प्रदेश में 1000 की आबादी पे 0.8 नर्सेस और 0.4 के आसपास डॉक्टर्स, केरल में यह संख्या 9.6, हमसे 12 गुना है,
तो संख्या में भी हमें बढ़ाना है। और क्वालिटी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि जब हम रिक्रूटमेंट करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ऑल्दो जो संख्या ये हम दिख रहा है, नंबर तो है, लेकिन वास्तव में क्या उसको ज्ञान है और उसको स्किल है। तो आप खुद ही देखते होंगे कि कैसे उनके स्किल से आप लोग आउटसोर्स नर्सेस को यूज करते होंगे, आपको दिखाई देता होगा कि किस क्वालिटी की नर्सेस प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या हम ये 1600 बेड को जाया नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसमें अच्छे नर्सेज और अच्छे पैरामेडिक टेक्नीशियंस नहीं पैदा कर सकते? क्या हमारा फोकस केवल सुपर स्पेशलिटी पे ही रहेगा या कुछ और भी हमारी मैंडेट्स हैं जो सरकार हमसे चाहती है, हम उसके भी ऊपर ध्यान देंगे? ये मेरा दूसरा ड्रीम। और तीसरा जो है मेरा ये कहना है कि जो हम हमारी जो एक राष्ट्र में छवि बनी है, अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। और हम हमारे पास पेशेंट की वॉल्यूम जबरदस्त है, बट हम लोग ना तो एआई में हैं, ना तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स रिसर्च ट्रायल्स में बहुत लिमिटेड संख्या में हैं हम। और हम एज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, ये हमें पैसे की सोर्सेज, फंडिंग की सोर्सेज भी, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको फंड कर सकते हैं, तो हम लोग ये भी देखें अपॉर्चुनिटीज को। वी शुड गो अ लिटिल बिट आउट ऑफ अवर ओन सेल्स एंड डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस टू लुक एट कि हम क्या लेवरेज कर सकते हैं अपने पेशेंट डेटाबेस को इन गेटिंग मोर मनी फॉर अवर रिसर्च, फॉर अवर इंस्टीट्यूशन एंड फॉर अवर पेशेंट केयर ऑल्सो यूजिंग दीज एडवांस टेक्निक्स। उसमें कुछ आप लोगों ने मुझे उम्मीद, मुझे आइडिया है कि आप लोगों ने IIT कानपुर से एक समझौता किया है, लेकिन जिस गति से वो चलना चाहिए उस गति से अभी नहीं चल पा रहा है। तो मेरी सिर्फ 4 मिनट का समय है, तो सिर्फ इन्हीं 3 ड्रीम्स के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 सालों में ये 3 ड्रीम्स पे हम लोग कुछ काम करें एंड वी कैन शो टू द वर्ल्ड दैट SGPGI कैन स्टिल हैज पोटेंशियल टू गो फर्दर देन व्हाट इट हैज रीच्ड ऑलरेडी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, डॉक्टर मित्रा, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक जी, SGPGI के डायरेक्टर आदरणीय धीमन जी, सभी फैकल्टी के मेंबर्स, स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सबसे पहले तो इस 39वें स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मित्रा के बाद कुछ बचा नहीं बोलने को। आलोक जी ने अपने ड्रीम्स बता दिए, अब सरकार क्या चाहे। जब ये SGPGI की स्थापना हो रही होगी तब मेरे ख्याल से हम लोग 8th या 9th में थे, क्यों अमिताभ? 8th या 9th में रहे होंगे हम लोग अमिताभ 7th में थे स्कूलिंग। तब हम लोग को ये मालूम था कि केवल एक डॉक्टर होता है, पैर का भी डॉक्टर वही है, सर का भी वही है, पेट का भी वही है, सीने का भी वही है, हर चीज का डॉक्टर एक ही होता है। ये बहुत बाद में पता चला जब SGPGI पूरा फुल उसमें आ गया, हर तरह के डॉक्टर अलग अलग होते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज ही हम लोगों को सिखाई SGPGI ने, और मेडिकल कॉलेज बाद में लोहिया भी आ गया उसी में शामिल होके, कि नहीं हर चीज का अलग अलग डॉक्टर होता है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा प्रमुख सचिव जी ने बताया, एक छोटा सा उदाहरण मैं भी दे दूं। अभी स्वास्थ्य विभाग ने करीब 4000 कुछ वैकेंसीज थी स्टाफ नर्सेज की, आयोग को भेजा अध्याचन, वहां पे आयोग ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया। पूरे प्रदेश में 103,000 बच्चे बैठे उसमें,
और उसमें से पास हुए केवल 2700, 1,03,000 जिन्होंने नर्सिंग कोर्स किया हुआ था। दिक्कत वही है, हमारे पास जगह है लेकिन हम उसको भर नहीं पा रहे। इसमें भी मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, एक समय ऐसा आया जब सरकार ने नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस, मैनेजमेंट के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस धड़ाधड़ जो है, एक समय आज से करीब 15-17-18 साल पहले एक समय ऐसा आया कि उस समय की सरकार ने तरह तरह के इन सब कॉलेजेस को मान्यता देना शुरू कर दिया। पहले जो बड़े बड़े शहर थे वहां पे खुलना शुरू हुआ, फिर गांव देहात में भी खुलने लग गए। लेकिन वो इतना ज्यादा खुलने लग गए और इतने ज्यादा लोग उसमें से प्रोड्यूस, लेकिन अब वो जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा था इंजीनियर्स का, मैनेजमेंट का और पैरामेडिकल्स का, स्टाफ नर्सेस का, वो क्वांटिटी तो हम लोग बढ़ाते गए लेकिन वो क्वालिटी नहीं हो पाई। और उससे असर क्या हुआ, बहुत से लोग तो मेरे जानने वाले, मेरे मित्र भी हैं जिन्होंने एमबीए किया है, 5,000 रुपए की नौकरी तक उनको नहीं मिल रही थी। अब सरकार का जो विजन है यही कि अब हम जो भी जिस फील्ड में भी जिस बच्चे को भी मौका मिले उस फील्ड में वो मास्टर होके निकले। सरकार का विजन इस समय एकमात्र यही है जो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं, और हम लोग धीमे धीमे उस ओर, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता ये भी मैं जानता हूं, लेकिन धीमे धीमे हम लोग जोर दे रहे हैं इसी में कि हमारा जो भी बच्चा हो वो चाहे अगर नर्सिंग में जाना चाहे, चाहे मैनेजमेंट में जाना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग में जाना चाहे, जिस फील्ड में जाना चाहे, उसको अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छे लोग पढ़ाने को मिले और वो एक पूरा तरीके से उस फील्ड का स्किल्ड मास्टर बन के निकले। ये सरकार की आज की सोच है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता था। आप सब लोगों को एक बार फिर स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि SGPGI देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर एक संस्थान बने। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कर्मियों को पुरस्कृत किया जाना है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय राज्यपाल महोदया से यह अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों से इन साथियों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। इस वर्ष बेस्ट सीनियर रेजिडेंट DM को अवार्ड जाता है नेफ्रोलॉजी विभाग से डॉक्टर निधि गुप्ता जी को। अगले बेस्ट सीनियर रेजिडेंट MCH अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सराह इद्रीस डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी से। बेस्ट जूनियर रेजिडेंट अवार्ड जाता है डॉक्टर योगिता खंडेलवाल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। अवार्ड फॉर बेस्ट नर्सिंग स्टाफ सिस्टर ग्रेड 1 के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री नीलमणि ईस्थर जी को। आप क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कार्यरत हैं। बेस्ट नर्सिंग स्टाफ सिस्टर ग्रेड 2 जाता है मिस सुनीता पाल जो कि एंडोक्राइन विभाग में कार्यरत हैं। बेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर राशिद अख्तर जी को। आप डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में कार्यरत हैं। अवार्ड फॉर बेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 2 जाता है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से मिस्टर चंद्रेश कश्यप जी को। शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों को भी प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाता है। मेडिसिन की श्रेणी में सर्वप्रथम मैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करूंगी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उज्ज्वल पोद्दार जी को। तत्पश्चात
प्रोफेसर उज्जवल पोद्दार जी, तत्पश्चात पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर जिया हाशिम जी, कार्डियोलॉजी विभाग से डॉक्टर अंकित कुमार साहू जी, कृपया मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अंत में न्यूनेटोलॉजी विभाग से डॉक्टर अभिजीत राय जी। सर्जरी के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुरस्कार ग्रहण करने हेतु मंच पर आमंत्रित करूंगी सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजन सक्सेना जी को। एंडो सर्जरी से डॉक्टर सबा रत्नम से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। इसी विभाग से डॉक्टर राहुल, आप भी कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अंत में यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर प्रियंक यादव जी को पुरस्कार ग्रहण हेतु मंच पर आमंत्रित करूंगी। तीसरी श्रेणी पैरा मेडिकल से सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करती हूँ मॉलिक्यूलर मेडिसिन एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर स्वस्ति तिवारी जी को। अपरिहार्य कारणों से ये उपस्थित नहीं है, इनका पुरस्कार डॉक्टर सुकांक्षी प्राप्त करेंगी। डॉक्टर सुकांक्षी कृपया मंच पर आए। हेमेटोलॉजी विभाग से डॉक्टर खलीकुर रहमान जी। इसी विभाग से अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर सीपी चतुर्वेदी जी को। और अंत में यूरोलॉजी विभाग से डॉक्टर नवीन कुमार गौतम जी को कृपया मंच पर आए। प्रियंक यादव जी, डॉक्टर प्रियंक यादव पैरामेडिकल से मॉलिक्यूलर मेडिसिन विभाग का पुरस्कार जाता है डॉक्टर स्वस्ति तिवारी जी को, वे मौजूद नहीं है, उनका पुरस्कार डॉक्टर सुकांक्षी ग्रहण करेंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। हिमेटोलॉजी विभाग से डॉक्टर खलीकुर रहमान जी। इसी विभाग से अब आमंत्रित करूंगी डॉक्टर सीपी चतुर्वेदी जी को। और अंत में यूरोलॉजी विभाग से डॉक्टर नवीन कुमार गौतम जी कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब मैं क्लिनिकल श्रेणी के विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। सर्वप्रथम सुश्री कोमल सिंह जो कि क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग में रिसर्च असिस्टेंट है, आप प्रोफेसर अमिता अग्रवाल जी के निर्देशन में कार्यरत हैं। हमारी अगली विजेता है एंडोसर्जरी विभाग के एमसीएच स्टूडेंट डॉक्टर स्पंदना जे। तीसरी विजेता है नेफ्रोलॉजी विभाग से एसआरडीएम डॉक्टर निधि गुप्ता। आपने प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी के संरक्षण में अपना शोध कार्य संपन्न किया है। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राहुल को। क्लिनिकल श्रेणी के पुरस्कारों में कुछ सांत्वना पुरस्कार का भी प्रबंध है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी न्यूनेटोलॉजी विभाग से डॉक्टर नेहा दलाल जी को। डॉक्टर नेहा दलाल, आप डीएमएसआर हैं, डॉक्टर कीर्ति इनकी गाइड है। न्यूरोलॉजी विभाग से डॉक्टर वीके पालीवाल जी के स्टूडेंट डॉक्टर अंकित गुप्ता जी, ये सभागार में मौजूद नहीं है, इनके स्थान पर सुश्री सुवांशु बत्रा जी इनका पुरस्कार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर सुमांशु बत्रा। अंत में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के एसआर डॉक्टर लोकेश्वरन एमकेजी को मैं आमंत्रित करूंगी।
आपने डॉक्टर मनीष के संरक्षण में अपना शोध कार्य संपन्न किया है। अवार्ड्स की श्रेणी में अब बारी है बेसिक कैटेगरी की। सर्वप्रथम एंडोक्रिनोलॉजी विभाग से यंग साइंटिस्ट फेलो डॉक्टर सना रजा, कृपया मंच पर आए। आपने डॉक्टर रोहित सिन्हा के निर्देशन में अपना शोध कार्य संपन्न किया है। हमारे अगले विजेता है न्यूरोलॉजी विभाग की रिसर्च फेलो डॉक्टर अभिलाषा त्रिपाठी। प्रोफेसर जयंती कलिता जी इनकी गाइड हैं। इसी श्रेणी की तीसरी विजेता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के पीएचडी स्टूडेंट सुश्री शिखा साहू जी। आपने प्रोफेसर यूसी घोषाल जी के अंडर में अपनी रिसर्च काम कंप्लीट किया है। इस श्रेणी में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाली विद्यार्थी हैं हेमेटोलॉजी विभाग के पीएचडी स्टूडेंट सुश्री मनाली जैन। डॉक्टर सीपी चतुर्वेदी जी इनके गाइड हैं। हमारी अगली विजेता है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की एसआर सुश्री वसुंधरा सिंह। डॉक्टर प्रीति एलहेंस के निर्देशन में इन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया है। अंत में मैं आमंत्रित करूंगी मॉलिक्यूलर मेडिसिन एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पीएचडी स्टूडेंट सुश्री अंजलि सिंह जी को। इन्होंने डॉक्टर आलोक चुमार जी के संरक्षण में अपना शोध कार्य संपन्न किया है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे संस्थान के कर्मचारी न केवल अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, बल्कि खेलकूद में भी बहुत आगे हैं। संस्थान में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के बीच पिछले कुछ दिनों T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 6 टीमें थीं। इस त्रिश्रृंखला प्रतियोगिता का अंतिम निर्णायक खेल आज प्रातः संपन्न हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान पर रही है SGPGI स्टाफ 11 टीम। टीम के कप्तान श्री SP यादव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। द्वितीय स्थान पर NSG नर्सिंग SGPGI टीम रही है। इस टीम के कप्तान श्री जितिन जी कृपया पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ जाएं। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब माननीय अतिथिगण कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। और एक बार पुनः मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वे इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री मंकेश्वर जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन जी, KGMU लखनऊ के मेडिसिन विभाग के पूर्व हेड प्रोफेसर M.K. मिश्रा जी, SGPG के डीन प्रोफेसर सुभा आर फड़के जी, अन्य अधिकारीगण, चिकित्सकगण, कर्मचारीगण, मुझे आज प्रसन्नता इस बात की है प्रोफेसर M.K. मिश्रा जी को सुना। ये सुनने के बाद किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कितनी बातें हमारे सामने रखी है। मैं मानती हूं कि इसमें आप लोग इसमें परिचित होंगे, आपको पता होगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। कम से कम मुझे तो पता नहीं था कि आयोडीन क्यों आया, नमक में आयोडीन क्यों आया। ये आज पता चला कि ऐसे रिसर्च होने की वजह से ये परिवर्तन होता है। ऐसी काफी कुछ बातें उन्होंने बताई। मुझे लगता था कि और ज्यादा समय उनको सुनने की आवश्यकता थी, और मैं चाहती हूं कि ऐसे वरिष्ठ हमारे
जिसने 50-50 साल तक काम किया है, कितना अनुभव हुआ होगा कि इस तरह बिहेवियर करना चाहिए डॉक्टर को और इसका इफेक्ट कितना होता है। ऐसी बातें मैं मानती हूँ पढ़ाई में कहीं नहीं आती। आप सोच लीजिए आपका जो सिलेबस होगा इसमें वो बातें आती है नहीं आती है। तो ऐसी जो बातें हैं वो बार बार हमारे स्टूडेंट के सामने रखने की आवश्यकता होती है। हम माने या न माने, हमें पता होता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी दो बार हो गए, रिसर्च कर दिया, वो कर दिया, लेकिन समाज में क्या जरूरत है, क्या बदलाव लाने की जरूरत है, क्या रिसर्च करने की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है समाज में, महिलाओं का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, हमारा वृद्धजनों का प्रॉब्लम, किसानों को कुछ अलग प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करते हैं वे लोगों का अलग प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि वो सीमेंट के बीच में रहते हैं। तो ऐसी कई असुविधाएं जो स्टेट में है, हमारी कंट्री में है, इसके बारे में रिसर्च करना और बाद नई दवाई ढूंढना दाई हमारा काम है मित्रों। और आज मुझे इसी वजह से स्थापना मित्र आप सबको जो अवार्ड दिया गया ये सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे ज्यादा आनंद किसको मिला, इन लास्ट में दो खेल प्रतियोगिता है और खेल प्रतियोगिता में यही प्राप्त होता है, आनंद संतोष प्राप्त होता है और ये आज दिखाई दिया। आप लोग भी आते थे अवार्ड लेने के लिए, आप भी आते थे भाई, लेकिन एक बार इधर से फोटोग्राफ आपको मिले इसके बाद आपका चेहरा जरूर देख लेना, क्या आपको आनंद नहीं होता था। सीरियसनेस, अरे भाई हम पेशेंट बन के आपके सामने आएंगे और आपका चेहरा ऐसा ही होगा तो वो तो मर ही जाएगा पेशेंट। तो जीवन में जो संतोष और आनंद प्राप्त होता है, ये जो अच्छा काम हम करते हैं और सामने वालों को जो संतोष प्राप्त होता है वही हमारा संतोष होता है। इतनी सुंदर बात मिश्रा जी ने बताई इन लोगों, इतनी सुंदर बात बताई। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जब मैं शिक्षा मंत्री थी तब हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल बहुत ही बड़ी है। ये सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक वार्ड तय किया था, अलॉट किया था, सिर्फ ना सिर्फ बच्चों के लिए जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फ्री में ट्रीटमेंट होगी, ये हम लोगों ने तय किया था। हमारे मोदी जी ने उसी समय ये सब तय किया था। एक बार में जब ये वार्ड में बार बार मैं जाती रहती थी तो वार्ड पे मैं गई तो एक छोटा सा बच्चा छठी कक्षा का था, ये दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे बताया कि कल मेरा ऑपरेशन है। मैंने कहा कि क्या ऑपरेशन है, किसका है? उसने बोला कि मेरा तो हार्ट का ऑपरेशन है, लेकिन जो डॉक्टर मुझे दवाई देने के लिए आता है ना उनके पास मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। देखिए उनके पास ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने पूछा कि क्यों नहीं करवाना, तो उसने कहा कि वो तो बार बार इतनी दवाइयां देता है और मुझे लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा जो उनके हाथों से ऑपरेशन होगा। तो फिर मैंने उसको आश्वासन दिया कि बेटा ऑपरेशन करने के लिए तो और डॉक्टर आएंगे, जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो ही आएंगे, वो नहीं आएंगे तो घबराना मत, अच्छी तरह से आपका ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद मैं आपको जरूर मिलने के लिए फिर से आऊंगी। तो वो खुश हुआ। जब इसका ऑपरेशन हुआ और मैं जब मिलने के लिए गई तो जो डॉक्टर पहले उसके पास था
वो ही डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उनको दोनों को मिलाया। ये आप जो मना करते थे ना कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन न करे, लेकिन वो डॉक्टर ने ही आपका ऑपरेशन किया। उसको इतना आश्चर्य हुआ कि वो तो बहुत ही दवाइयां खिलाता था, अभी तो मेरा ऑपरेशन ठीक होगा या फिर तो मेरी दवाइयां कम हो गई। तो बच्चा क्यों घबराता था तो बताइए। उनको जो प्यार से उसको समझाने की जरूरत होती है, उनके पेरेंट्स के साथ जो समझाने की जरूरत होती है, वो शायद कम हो जाती होगी, और इसी वजह से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। मुझे एक बहुत ही चिंता आपके सामने मैं इसी वजह से विषय रखती हूँ कि हमारे ACS ने बताया कि 1,00,000 में से 27 लोग पास हुए हैं। क्यों ऐसा होता है ये स्टडी करने की जरूरत है। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कमियां है, और ये कमियां जो हम दूर नहीं करेंगे तो वही स्थिति रहेगी, वही स्थिति रहेगी। एक कॉलेज देखिए, एक यूनिवर्सिटी देखिए, जहां मान लो कि हमारी नर्सिंग बेटियां पढ़ती है या तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ती है, वहां कितने प्रॉब्लम होते हैं। एक तो अध्यापक सही है, उसका क्वालिफिकेशन ठीक था कि वैसे ही भर्ती कर दी है। मैं देख रही हूँ रिक्रूटमेंट में कितनी वो होती है, उनको दे दो, उनको ले लो, उनको ले लो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रिक्रूटमेंट के लिए जो हम लोगों ने प्रयत्न किया कि इसी तरह रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, तो ही क्वालिटी वाले टीचर्स, क्वालिटी वाले अध्यापक आएंगे और ये अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। फिर उसकी बार बार ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती। तीसरी बात है कि जो लैब वगैरह अच्छी तरह से होनी चाहिए या होती है, या तो लैब में कोई जाता नहीं है, अभी चलेगा चलेगा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हंगामा हो जाता है। इसमें स्टूडेंट देखते भी नहीं है कि हम हंगामा कर रहे हैं, कि हंगामा करने के लिए आए या पढ़ने के लिए आए। कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम हम बैठ कर उसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं मित्रों। ऐसी कई बीमारियां अब चल रही है मित्रों। मैं तो जहां से आई हूँ इधर देख रही हूँ 3 साल से 3.5 साल से यही प्रॉब्लम को एड्रेस करने की आवश्यकता है। और इसमें जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तब तक आपको जो प्रॉब्लम है कि अच्छा रिक्रूटमेंट नहीं होती है, आते नहीं है, फेल हो जाते, इतनी 3 साल की पढ़ाई के बाद भी जो फेल होते हैं, तो इसका दोष नहीं है। सब मिलकर, सबको मिलने पर एक समस्या है, वो समस्याओं हल करनी पड़ेगी मित्रों। सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं आज कहूंगी, मैं कभी ये बात मैंने कभी कहीं नहीं रखा है, लेकिन मैं आज ये सब जब मैं सुनती थी और हमारे प्रोफेसर मिश्रा जी बताते थे कि ये यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 साल में ये किया, ये किया, ये किया, नाम के साथ, आपके नाम के साथ बोलते रहते थे, तब मुझे 3 साल पहले का समय याद आया कि जब SGPGI का निर्देशक की नियुक्ति कर दी थी तो मेरे सामने वही प्रॉब्लम था, मेरे सामने वही प्रॉब्लम था, उसको लेना, उसको लेना, इसको लेना, इतना प्रभाव मेरे पर था। लेकिन मैं ये सोचती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इतने सालों से इतने काम कर रही है, जो उसको कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं मिलेगा तो उसका विकास कैसे होगा। और हम सोचते हैं कि हम तो विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ हम जाना चाहते हैं, ये कैसे होगा। एक ही लक्ष्य था, डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो नॉलेजेबल भी हो, दीर्घ दृष्टि वाला भी हो, और सबके साथ रहकर सबके पास जो भी एक्सपर्टाइज है इसका उपयोग करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और 10 साल का रोड मैप हमारा कैसा होना चाहिए, इसका मैटर विजन, तब जाकर कोई संस्था आगे बढ़ सकती है। और इसी वजह से आज मुझे खुशी है कि जो निर्णय 3 साल पहले मैंने धीमेन के लिए किया था वो मुझे सही लगा।
दूसरी एक बात हमारे बीच में ये आई मित्रों, अच्छी बात है कि कुपोषण, देखिए हमारे बच्चे आंगनवाड़ी में झाइए और झांकी, वहां जो बच्चे आते हैं वो गरीब घर के बच्चे आते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं, झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, जहां खाना पीना अस्वच्छता सब कुछ वहां है। और ऐसे बच्चे जब आंगनवाड़ी में आते हैं तो कुपोषण थे, माँ भी कुपोषित है, पूरा परिवार कुपोषित है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना है, क्या कुछ ऐसी दवाई, क्या कुछ ऐसा है कि जो माँ को खिलाओ उनको खिलाओ उनको खिलाओ। राज्य सरकार तो कई प्रयास करती है मित्रों, महिला प्रेग्नेंट होती है उसी समय 5,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, लेकिन कभी किसी ने स्टडी किया कि ये पैसा का सही उपयोग माँ ने किया? और जब तक वो स्टडी नहीं होगा तब तक सरकार तो पैसा देती रहेगी और बोलती रहेगी कि हम लोगों ने इतना खर्च किया, इतना खर्च कर इतना, लेकिन परिणाम क्या आया, परिणाम क्या, परिणाम कुछ नहीं, शायद 2% ऊपर गया होगा। लेकिन हम जब इस पर स्टडी करेंगे, मैं दूसरी कॉलेजों को भी कहती हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी को भी कहती हूँ कि आप स्टडी तो करिए भाई, राज्य सरकार की योजनाओं का तो स्टडी करिए। एक बात ये आई हमारे सामने, उसी समय भी हमारे प्रमुख सचिव थे, 84% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कितना, तो 24%। आश्चर्य है ना हमारे सामने। अब नर्सिस वहां होती है, डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, और फिर भी एक घंटे के अंदर जो बच्चों को स्तनपान नहीं करवाएंगे तो उसका कुपोषण कैसे दूर होगा, ये कमियां है हमारी। अब एक बॉन्ड लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कौन पढ़ता है वो? अब इस पर स्टडी करना चाहिए कि क्यों नहीं होता है। हर हॉस्पिटल में नर्सिंग का एक काम है ही आपका काम, फिर भी नहीं होता है तो नहीं होता है क्या, उसको समय नहीं है, ज्यादा डिलीवरी हो रही है और इसी वजह से इसमें व्यस्त रहते हैं, और ये अगले एक घंटे पहले डिलीवरी हुई उसका फिर ब्रेस्ट फीडिंग हुआ कि नहीं वो देखती नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वहां तक जाने की आवश्यकता है, वहां तक जाइए और स्टडी करिए। दूसरी यूनिवर्सिटी को जोड़िए मित्रों आप लोग, इधर क्या है कि वॉटर टाइट कंपार्टमेंट बन गया है सब कुछ में, मेडिकल वाले मेडिकल का काम करेंगे, वो दूसरी यूनिवर्सिटी उसका काम करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी उसका काम करेगी, लेकिन आपका प्रॉब्लम एक ये प्रॉब्लम है कि इसका स्टडी करवाना है, तो क्या दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपको इसको ट्रेन करो, उसको गाइड बनो और उसके पास से करवाओ, तो वो स्टडी करके रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे, तो इसमें से सॉल्यूशन कुछ न कुछ आ जाएगा। तो ऐसे कई हमारे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें आगे बढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है मित्रों। जब ये बात करते हैं तब बजट सामने आ जाता है, बजट सामने आता ही है, कभी कभी हमारे मन में भी प्रश्न उपस्थित होते हैं कि भाई मंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, वो आते हैं, सब बोलते हैं कि करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है। अब देखिए बजट कैसे इधर उधर हो जाता है, जैसे कोरोना आया 2 साल, तो पूरा बजट कहाँ चला गया, तो इसमें ही चला गया। तो जो आपने भी कर शायद कोई मैप बनाया होगा, ये करना है, ये करेंगे, तो इसमें भी कुछ कमियां रह गई होती है, ये होता है। हमारे गुजरात में हम लोगों ने मैप बनाया 2001 से 2011 तक, गुजरात का विकास कैसे होना चाहिए बनाया, लेकिन तुरंत अर्थक्वेक आया, 8-10 जिलों में सब ध्वस्त हो गए, ये सबको सबको कुछ न कुछ देना है, घर देना है, उसको ऑफिस वगैरह देना है, सरकारी अधिकारियों का सब क्वार्टर्स वगैरह बनाना है, सब कुछ बनाना है, रोड भी खराब हो गए तो वो भी बनाना है, पानी की टंकियां टूट गई वो भी बनाना है। तो 2 साल का जो गैप होता है वो गैप भी हमारे ये विकास में बाधारूप हो जाता है, और इसकी वजह से
जो हम प्रयास करते हैं कि वो करेंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं। लेकिन मैं मानती जरूर हूं कि हमारा जो समाज है वो समाज का भी सहयोग जनभागीदारी लेनी चाहिए। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं, बड़े भी काम करते हैं, छोटे भी काम करते हैं। यदि कोई हॉस्पिटल का निर्माण करता है तो सरकार की जो जिम्मेवारी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। दो हॉस्पिटल नई बनती है और प्राइवेट बनती है तो आपका काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि भाई चलिए जनभागीदारी से हो रहा है तो थोड़ा सा काम हमारा भी हो गया। तो जनभागीदारी इतना ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे लिए। इसमें रिसर्च में भी आप उसका उपयोग कर सकते हो और कुछ न कुछ जो छोटा मोटा जो काम करना है इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। मित्रों, आज कई हमारे डॉक्टर नर्सिस सबका सम्मान हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिसर्च पर आपने इतना बल दिया और वो ही जरूरी है। हम पीछे हैं, भारत पीछे है तो रिसर्च में ही पीछे है। हम सब कुछ काम करते हैं लेकिन रिसर्च नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं लेते हैं और इसी वजह से जो चेंज करना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये रिसर्च पर आप लोगों ने बहुत ही बल दिया है। इतना ही नहीं, आपने जिसने भी अच्छा काम किया, कोई नया चार बनाया, इन लोगों को सम्मानित किया, ये भी एक अच्छी बात है मित्रों। और सम्मान सिर्फ अध्यापक का हो या तो डॉक्टर का हो या तो नर्स का हो ये नहीं, लेकिन टॉप से ऊपर तक सबका सम्मान होना चाहिए। आपका सफाई कामदार है वो भी काम करता है भाई, लैब असिस्टेंट है वो भी काम करता है, लैब की सफाई करने वाला भी होगा। कई लोग होते हैं जो पूरी संस्था को चलाते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति या तो दो व्यक्ति या तो पांच व्यक्ति संस्था को चलाते हैं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आप ये बात इसी वजह से कहती हूं कि कभी कभी हम लोग भी ये नहीं सोचते हैं। मैं एक बार इधर एक गार्डन में गई थी सिर्फ गार्डन देखने के लिए। वहां कई महिलाएं मुझे मिली और स्वाभाविक मिलती हूँ सब लोगों को। मैंने उनको सहज भाव से पूछा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला है, तो पहले तो वो बोली नहीं। फिर मैंने एक एक योजना बताई कि ये योजना है, ये योजना है, ये योजना है, बच्चों के लिए ये है, इसमें से आपको कौन सी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने एक ने बताया कि हाँ मुझे ये मिला है, तो दूसरे ने दूसरी बजाय बताई। लेकिन उनको जो जितना लाभ मिले लाभार्थी को वो नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि चले हम एक काम तो कर दें, इधर हम गार्डन में आए हैं तो गार्डन में गार्डन बनाने वाले माली हो, खुद काम करने वाले हो, पानी का छिड़काव करने वाले हो, ये सब लोगों को सर्वे कर लो। और सर्वे करवाया सबका, और सर्वे कराने के बाद राजभवन की लोन में सभी विभागों को बुलाया, सभी विभागों को थोड़ा थोड़ा थोड़ी जगह दे दी कि आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। इसमें SGPI भी आई थी, आपको भी बुलाया था, क्योंकि महिलाओं को जो कैंसर है वो महिलाएं तो सोचती नहीं इसके बारे में। तो ये महिलाएं भी थी, पुरुषों भी थे, बच्चे भी थे, सब कुछ लोग थे। 1200 लोग आए थे मित्र, पूरा जितनी गार्डन थी सब गार्डन में जो काम करते थे सभी लोग वहां इकट्ठे हुए और 3 घंटे तक गार्डन चला, 3 घंटे तक। और 1500 ऑर्डर दिया 1200 लोगों को 1500 ऑर्डर दिया। अब इतनी योजनाएं हमारी है लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना का कार्य इसके पास है ही नहीं। वो तो अपने अपने काम में व्यस्त रहती है और जब उसको कोई घटना होगी तो कहाँ जाएगी। तो यदि कार्ड घर में हो तो उसको संतोष होता है कि कुछ होगा तो कार्ड है, लेकर चले जाएंगे। तो वे लोगों की एक जांच हुई महिलाओं की,
ब्रेस्ट कैंसर की और सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई, इसमें 3 महिलाएं सस्पेक्टेड निकली। SGPGI में उसका आगे निदान हुआ, थोड़ी सी दवाइयां वगैरह 15 दिन तक उसको दी गई और वो सेफ हो गई मित्रों से। तो ऐसे कार्यक्रम हमें चलाना चाहिए जिसकी वजह से छोटे छोटे गांव की गलियों में रहने वाले, झुपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। आखिर में तो सरकार क्यों ये काम करती है, क्यों योजनाएं बनाती है? अफोर्डेबल नहीं होता है सबके लिए। जैसे कि आपने एक रिसर्च किया है, तो ये करने के लिए कई 15-20 लाख रुपया का खर्च होता है। मैंने दासी पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने जो रिसर्च किया तो इसमें 1500-2000 से काम हो जाएगा। ये रिसर्च मैंने आज पेपर में पढ़ा है, ये काम किया है आप लोगों ने मित्रों। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी समाज के सामने आनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जितने आप लोगों ने नवाचार किया है, जो शोध संशोधन किया है, उसकी एक बुकलेट बनाइए। और जितनी कॉलेज है, चाहे मेडिकल की हो चाहे जनरल हो, सबको भेजो मित्रों, आप सबको भेजो। एक मेरा स्वभाव है, मैं कहीं भी कुछ जानती हूँ या तो कहीं कुछ मैंने सुना है तो मैं दूसरों को जाकर बोलती हूँ कि भाई ये देखिए, ये देख लेना। तो नॉलेज में बढ़ोतरी होती है। हम चुपचाप अपना काम करते रहते, चुपचाप अपना काम करते तो करना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो रिजल्ट आपको शेयर करना चाहिए। मन में ये नहीं रखना चाहिए कि हमारा रिजल्ट जो दूसरी यूनिवर्सिटी जान जाएगी और वे भी करेंगी तो नेक में हम पिछड़ जाएंगे। ऐसा मत करो भाई, नेक में तो आप काम कर रहे हो मुझे पता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा, तो एशियन रैंक में भी आप आएंगे, एशिया रैंक में भी आप आएंगे मुझे पता है। तो आपका एक काम है काम करने का, लेकिन जो मिश्रा जी ने बताया है उसको आपके नजर समक्ष रखिए, नजर समक्ष रखिए, क्योंकि हमारी ये जिम्मेवारी है। एक हंसता हुआ डॉक्टर जब मरीज के सामने आता है और डॉक्टर हंसता हुआ होता है तो मरीज को लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर को मरीज भगवान समझता है। ये भगवान है डॉक्टर हमारे मित्र, और इसी वजह से जब हम भगवान मानते हैं तो भगवान की तरफ हमारा काम भी होना चाहिए, भगवान की तरफ सबको आशीर्वाद देना है। सिर्फ आशीर्वाद नहीं चलेगा, दवाई करके उसको स्वस्थ बनाकर उसके घर पर भेजना, तब तक हमें एक काम करना चाहिए। जो कोरोना के समय में आप बता बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पूरे विश्व के सामने आपने एक माइलस्टोन बता दिया है कि सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसका फल, उसका रिजल्ट कितना अच्छा प्राप्त होता है। आज देखिए चाइना की स्थिति क्या है, टीवी में देखते होंगे ना, मरीज को मार मार कर धक्का देते हैं। ये स्थिति है आज, अगर हमारे यहाँ शांति से हम हमारा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट में G20 ये आप सबने पढ़ा होगा शायद, ये 13 फरवरी को सबसे पहला कार्यक्रम यूपी में है, लखनऊ में। इसमें आपको भी कुछ न कुछ दायित्व दिया जाएगा, अब तो एक्सपर्ट डॉक्टर हो, G20 में कई लोग इधर आएंगे तो एज अ डॉक्टर आपको तो कुछ न कुछ वहां रहकर उसकी उस प्रॉब्लम है, उसका कुछ वो है, वो ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई आपके यहाँ क्या नया किया है यूनिवर्सिटी में, क्या नया रिसर्च किया है, उसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं होगी। तो ये एक इसके लिए भी शायद सरकार आपको बुलाएगी या तो बुलाया होगा, लेकिन G20 हमारे लिए एक अद्भुत कार्यक्रम है और देश को पहली बार, इतने सालों के बाद पहली बार G20 का अध्यक्ष मिला है। हम अध्यक्ष के रूप में G20 में हम काम करने वाले हैं, तो ये देश के लिए बड़ी बात है, ऐतिहासिक घटना है,
ये हमारे लिए, तो उसको भी किस तरह हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए इसके बारे में आप सोचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। जिसने भी ये रिसर्च किया है, घर वालों को तो पता है ना, घर वालों को तो पता है ना, नहीं है बताना, क्योंकि आप लेट घर जाते होंगे तो मन में ये होता है कि क्या करता है हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन जब ये दिखाओगे ना तो घर वाले कभी नहीं बोलेंगे, रहिए एक घंटा और रहिए, अच्छा काम करिए। ये है मित्रों, ये चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपके बच्चों के सामने भी रखना चाहिए, देखो बेटा मैंने ये काम किया है, ये संस्कार है हमारे बच्चों के लिए। मित्रों तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जाकर सबसे पहले घर वाला को इकट्ठा करके ये दिखा देगा ये मिला है। इतनी सादगी और सरलता से माननीय राज्यपाल महोदया ने सार गर्भित बातें हमसे साझा की हैं। अपने आशीर्वचनों के लिए माननीय राज्यपाल महोदया का बहुत बहुत आभार। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शुभा फड़के जी को। आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, माननीय प्राध्यापक मित्रा जी, माननीय श्री आलोक कुमार जी और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर धीमन, स्थापना दिवस ऐसा एक त्योहार है कि जिसमें वैज्ञानिकता के साथ भावात्मक भी रस घुले हुए हैं। यह जश्न मनाने की एक समय है तथा उपलब्धियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस दिन हम एक साथ बैठ के गत वर्ष की उपलब्धियों का आकलन करते हैं और अगले साल के भविष्य की योजनाएं बनाने का भी दिन है। मैं पिछले 34 साल से एसजीपीजीआई लखनऊ में कार्यरत हूं और संस्थान के वृद्धि का हिस्सा हूं। नई इमारतें, बढ़ते मरीज, नई जांच, नए प्रकाशन, हमेशा एसजीपीजीआई आगे पद पर बढ़ता रहा हुआ है। संस्थान के 39वें स्थापना दिवस के पर्व पर माननीय और आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ है, यह हमारी सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वचन हमारे लिए अमूल्य है। मैं संस्थान की ओर से उनको धन्यवाद देती हूँ। हम माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी भी का भी उनके अमूल्य समय और एवं शब्दों के लिए आभारी हूँ। स्थापना दिवस व्याख्यान के निमंत्रण का स्वीकार करके और हमारा उत्साहवर्धन करने वाले शब्द और मैसेजेस प्रोफेसर मित्रा सर उन्होंने हमको दिए और वो सब हमारे दिल तक पहुंच गए, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर मित्रा स्थापना दिवस के व्याख्यान के लिए सबसे उचित व्यक्ता हमें लगे, क्योंकि अभी जो हमारा संजय गांधी पीजीआई का नेतृत्व डॉक्टर धीमन कर रहे हैं और आगे प्रगति पथ पर ले जा रहे हैं, उनके भी डॉक्टर मित्रा टीचर रहे हैं। हम माननीय श्री आलोक कुमार जी का भी आज उनका समय देने के लिए और संस्था को निरंतर समर्थन देने के लिए हम आभारी हैं। प्रोफेसर धीमन स्थापना दिवस एवं शोभ दिवस के डिटेल विस्तृत योजना बनाने के लिए और सफल करने के लिए हमारे साथ लगे रहे। हम उनकी सलाह और समर्थन के साथ ही हमने ये कार्यक्रम बनाया और मैं उनसे उनके सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। जो संस्थान का जो रिसर्च डे था कल, वो ये हमारे फाउंडेशन डे का एक बहुत अहम हिस्सा रहा और डॉक्टर घोषाल और डॉक्टर चतुर्वेदी इन्होंने इसके लिए जो कार्य करा उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। संस्थान के संकाय सदस्य एवं प्रशासकीय कर्मचारियों के सहयोग के बिना इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया नहीं जा सकता है। हम उनकी कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक प्लानिंग योजना के लिए कृतज्ञ है।
आज हम श्रुति सभागार के साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले अनेक सदस्य और कर्मचारी जो इसके साथ साथ जो अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि रक्तदान, वृक्षारोपण, रोगियों को फल का वितरण और अनुसंधान दिवस, ऐसे जो अनेक कार्यक्रम किए, इन सब में बहुत सारे लोगों का सहयोग था। और मैं ये सब हमारे पीजीआई परिवार के सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग ये कार्यक्रम में आए और इसकी शोभा बढ़ाई, इसलिए हम आप सबको सबकी तरफ से, हमारे पीजीआई के तरफ से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर एक ग्रुप फोटो तो बनता है। सभी पुरस्कार विजेताओं से ये आग्रह है कि वे सभी मंच पर आएं और हमारे अतिथिजनों के साथ एक ग्रुप फोटो में शामिल हों। सभी श्रेणियों के अवार्ड विजेताओं से अनुरोध है कि वे सभी मंच पर आएं। कार्यक्रम के अंत में आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। उच्चर जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे।